फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीही के लिए कैद हूं, और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हिया बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाब करते हैं। कितने तो डहा और झगड़े के कारण मसीही का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से, कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीही की कथा सुनाते हैं, ये समझ कर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। सो क्या हुआ, केवल ये कि हर प्रकार से चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीही की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा करता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीही की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसी ही अब भी हो चाहे मैं जीवित रहूं व मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीही के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है सो मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीही यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीही के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो,
और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं।